सोमवार को अयोध्या दास इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा ऑपरेशन आत्मरक्षा कार्यशाला में एसपी क्राइम आलोक शर्मा के नेतृत्व में छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090 डायल 100 साइबर क्राइम सेल्फ डिफेंस और मानव तस्करी के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नुसरत खान की मौजूदगी में छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। सभी छात्राओं को विभिन्न तरह की गोपनीय जानकारी जैसे खाता संख्या, एटीएम पिन, वन टाइम पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड्स आदि किसी भी व्यक्ति से शेयर न करने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक अपराध आलोक शर्मा, रेखा यादव, जया रंजन यादव, साइबर सेल के कांस्टेबल शशिकांत जायसवाल, आशा ज्योति केंद्र से प्रीति शाही, यूपी हैंडेड के वीर सिंह, अपराध शाखा की महिला कांस्टेबल गोदावरी ओझा सहित महिलाओं की टीम ने सक्रिय भागीदारी देते हुए महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित सेफ्टी टिप्स बताए, जिसमें साइबर अपराध जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर हो रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह की जानकारी दी गई। कार्यशाला में छात्राओं को यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता छात्राओं की पहचान और पता गुप्त रखा जाता है। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे यूजर नेम और पासवर्ड से संबंधित चीज़ें सोशल मीडिया या निजी लाइफ में किसी भी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, जिससे आपकी आईडी का गलत उपयोग सोशल मीडिया पर ना हो सके। कार्यशाला में अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नुसरत खान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए जानकारी भी दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य रेमी यादव, श्रीकांति गुप्ता, सुल्तान सहित अन्य शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नुसरत खान और छात्राओं ने कहा, गोदावरी ओझा जी, विनंदन हम सब आज हमारे प्रांगण में, मन में है आभार हमारे, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। 13 मिनट में खोज पहुंच जा रही, चाहे देहात हो चाहे वो शहर हो, शहर का एवरेज इस समय 9 मिनट है, 9 मिनट, 9 मिनट में आपके पास ठोट पहुंच जाएगी। उस गाड़ी में जो चार पहिया है उसमें एक हेड कांस्टेबल, एक पायलट ड्राइवर, एक कांस्टेबल तैनात है, वो आपकी बात बाकायदे सुनेंगे, कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, ईमानदारी से उनको कार्य करने की सीख दी गई है। हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें 10 दिन सॉफ्ट स्किल पढ़ाया गया, सॉफ्ट स्किल मतलब आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भाषा अच्छा होना चाहिए, किसी से लूज टाक नहीं करना है, किसी से बदतमीजी से बुलाना नहीं है, ये सब चीजें 10 दिन उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी गई है, और साथ साथ इनको हर साल में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कहीं गलत ना करें। साथ साथ इनकी फीडबैक भी ली जाती है, आज जो कॉल आपके पास आती है वो दूसरे दिन तक निश्चित है लखनऊ से फीडबैक लिया जाता है कि पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची तो कैसा व्यवहार था, सब आपके बारे में पूछा जाता है। अगर वहां उनकी शिकायत पहुंच जाती है तो हमारे पास जांच के लिए आ जाता है, आप इनको इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इन्होंने वहां पर जाकर मिसबिहेव किया या ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। सारे सिस्टम इस प्रकार से भी हैं कि कोई अगर किसी भी भाषा का बोलने वाला है, अरबी, फारसी, इंग्लिश, जिस भी को कन्वर्ट करके आपके आपकी बात जो है 100 नंबर में पहुंचा देंगे और आप पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इन्हें सामान्य भाषा में बोलना जरूरी है, जब आप कॉल करते हैं 100 नंबर पर किसी भी फोन से आप कॉल करेंगे, आपका एयरटेल का फोन है, वोडाफोन का फोन है, किसी का भी फोन, तो सारी कंपनी का 100 नंबर फिक्स किया गया बीएसएनएल ऑफिस में, और बीएसएनएल से वो सीधे कॉल इलाहाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद में कुछ हेडक्वार्टर है, कुछ लखनऊ में है, कुछ नोएडा में, वहाँ सीधे विद इन सेकेंड ट्रांसफर हो जाती है।
यानी कि आप डीओटी नंबर से फोन करें, चाहे लैंडलाइन नंबर से फोन करें। अब ये जो नई जनरेशन सामने बैठी है, इसमें से बहुत कम लोगों ने लैंडलाइन नंबर देखे होंगे। देखे लैंडलाइन नंबर जिसमें रिसीवर होता था, मेलों में देखे होंगे, अब वो रहे नहीं। अब मोबाइल, जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज है, टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज कौन सी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये ऑपरेटर कंपनीज है। और टेलीफोन, ये जो मोबाइल कंपनीज है जो बनाती है वो अलग है, दोनों में अंतर है। समझते हैं अंतर को या नहीं समझते? मोबाइल बनाती है सैमसंग नोकिया, लेकिन ऑपरेटिंग कंपनी जिसमें सिम पड़ती है जिस कंपनी की, वो अलग है। वो सारी कंपनीज लिंक है 100 नंबर से। किसी भी कंपनी के नंबर से अगर आप 100 नंबर मिलाएंगे तो अल्टीमेटली वो बीएसएनएल से कनेक्ट होकर के सीधे हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा विद इन सेकेंड। आप कहीं से भी मिला लीजिए, और वहां व्यवस्था ये की गई है कि जो आपकी कॉल रिसीव करेंगे वो पुलिसमैन नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस के बारे में यह हो सकता था कि एक प्रश्न की संभावना रखी गई कि भाई पुलिसमैन होंगे तो हो सकता है कि बात आपकी सुनी जाए, या कुछ कई बार ये शिकायतें मिलती है कि पुलिस ध्यान से नहीं सुनती है। तो वहां पर एक प्राइवेट फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करके रिसीविंग वाली महिलाएं रखी गई हैं। जैसे जो आप बोलेंगी उसे टाइप भी करेंगे, मतलब कि आपकी बात को वो टेक्स्ट के रूप में टाइप करती हैं। आप उसे सामने मोबाइल में टाइप करें, डेट इज टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को तत्काल एसएमएस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर डिस्पैच अफसर के पास। हमारे गोरखपुर में एंटोमेंट टेफ यूनिट सन 2012 से लेकर 2012 में स्थापित हुई है। 2012 से लेकर 2018 तक अब तक हम लोग 740 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, बच्चों को छुड़वाया गया है, जिसमें ऐसे 45 बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग के थे, ट्रैफिकर में पकड़े गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। ये महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर एसटीएफ टीम गठित है, तथा जिले के हर थाने पे दो दो बाल कल्याण अधिकारी है जो बच्चों के संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं तथा उसका निस्तारण करते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अगर किसी के साथ अन्याय या शोषण हो रहा है उसका विरोध करना आप सभी का पूर्ण अधिकार है, और किसी व्यक्ति को खरीदा या बेचा जा रहा है ये तो दोनों ही गंभीर दंडनीय अपराध है जिन्हें हम हीनियस क्राइम कहते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों को लगे कि आपके आस पड़ोस में किसी बच्चों को बहला फुसलाकर कोई लालच देकर नौकरी के रूप में काम कराने ले जा रहा है, उसको बेचने की प्लानिंग कर रहा हो, या बच्चा अपने माँ बाप से मतलब गायब हो गया, लापता हो गया हो, या लावारिस हो, तो उसकी आप कंप्लेंट हमारे एंटी वुमन टैकिंग यूनिट के फोन नंबर है 9454777 पर दे सकते हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगी साथ ही साथ, आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों से अधिकतर लोग काम करवाते हैं, कभी कभी होता है छोटे बच्चों से बर्तन करवाना, झाड़ू पोछा करवाना, और उसके बाद बच्चों को पालन पोषण के लिए रखते हैं। अगर आपके आस पास पड़ोस में कोई भी ऐसा हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अधिकतर देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं
अगर उसके माँ बाप नहीं है तो लोग ले जाते हैं, उसे पॉकेट मनी करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, उसे चोरी करवाते हैं, उसे गलत हरकत सिखाते हैं, कोई अपराध में लिप्त करा देते हैं। अगर ऐसे भी हो तो आप इस हमारे फोन नंबर उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन है। अभी हाल में ही 4 जुलाई की बात है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे 26 लड़कियों को हम लोगों ने पकड़ा है। वो 26 लड़कियां बिहार से आ रही थी, किसी यात्री को शक हुआ कि हाँ ये गलत है, उन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन के दौरान गोरखपुर स्टेशन पर 26 लड़कियों को रेस्क्यू करके उनके माता पिता को हैंडओवर किया गया। हम उस यात्री की भूल भूल प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आप जब भी अकेले हो तो कभी ऐसे रास्ते का चुनाव न करें जो सुनसान वाला हो, आप ऐसे रास्ते का चुनाव करें जो भीड़ वाला हो, ताकि आपके साथ कोई भी अनहोनी न होने पाए। आप अकेले हैं, आपको कहीं जाना है तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट कभी भी न लें, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न हो। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं तो आप उससे लिफ्ट बिल्कुल भी न लें। और क्या होता है, कभी कभी हम जा रहे होते हैं रास्ते में, पीछे से हमारे ऊपर आकर कोई अटैक कर देता है, शाम का समय है, तो आप कभी भी ट्रैफिक के नियम का पालन न करते हुए भी आप ट्रैफिक के विपरीत चले, जैसे कि जिधर से सामने से आपको गाड़ी आती हुई दिखाई दे आप उस रास्ते से चलें। ऐसे में ये होगा कि पीछे से कोई आप पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर कोई पीछे से आप पर हमला करना चाहेगा तो सामने से ट्रैफिक या सामने से कोई भी व्यक्ति आता हुआ उसको मतलब ये लगेगा आप कुछ भी करेंगे तो सामने से कोई भी देख लेगा। आप जब भी किसी ऑटो में बैठे या किसी भी कैब में या किसी भी मतलब गाड़ी में बैठे तो उसके नंबर पर ध्यान दें, उसका नंबर नोट कर लें आप। अगर आप अकेले कैब बुक करना है आपको और आपके साथ कोई ना हो तो आप मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो आप फोन से अपने घर वालों से या फिर आप ऐसे अपने परिचित व्यक्ति से बात करें जिन पर आपके पूरा भरोसा है कि वो आपके साथ मतलब कि संवेदन तरीके से रहेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे। तो आप उनसे फोन पे तेजी से बात करते हुए जिस गाड़ी में आप बैठे हो उस गाड़ी का नंबर बताएं उनको कि आप फला नंबर की गाड़ी में बैठे हैं, इस टाइम पे आप यहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ आपको जाना है वो आप उस समय पर वहाँ पहुँच सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर होगा उसको ये बात पता होगी कि अगर वो आपके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना या मतलब कुछ भी उस तरीके की घटना होगी तो उसका जिम्मेदार वो होगा और वो पकड़ा जाएगा। तो इससे वो आपको आपके सुरक्षित स्थान तक बिना किसी अनहोनी के पहुंचा देगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कभी आपको बस में बैठना है, बस से कहीं जाना है, तो आप कभी भी ऐसे बस में न बैठे जो बस खाली हो या फिर जिसमें बस ड्राइवर कंडक्टर उसके सिवा 2-4 लोग हो, तो आप उस बस में न बैठे, क्योंकि वो 2-4 लोग जो पहले से मौजूद हो सकता है वो बस ड्राइवर के साथ मिले हुए हो और आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो जाए। और आप कभी कभी होता है कि आप टैक्सी में बैठ रहे हैं या आप ऑटो में बैठ रहे हैं, आप अकेले में बैठ रहे हैं तो आपको लग रहा है जैसे नहीं होता कि कभी भीड़ भाड़ है तो ऑटो वाले और 2-4 लोगों को बैठाने का प्रयास करने लगता है, तो कभी कभी ये होता है कि जैसे कि धक्का मुक्की टाइप होता है तो ये लगता है कि चलो अनजाने में हो गया, टची कुछ तरीके का हो गया, तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, आप मतलब महसूस हो रहा है आपको कि ये अनजाने में हुआ है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कुछ मतलब दुष्ट या बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, जरूरी नहीं कोई लड़का ही हो, अधेड़ उम्र का हो सकता है, मतलब कोई भी जेंस है जिससे आपको ये लग रहा है कि वो चीज गलत है, वो उस मतलब उस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, तो वो आपको टच कर रहा है या गलत हरकत आपके साथ मतलब कुछ फील हो रहा है, तो आप उस चीज को अवॉइड न करें। आप तेजी से उसको डांटें, डरे बिल्कुल भी नहीं, आप तेजी से डांटे कोई भी हो, इस चीज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, आप उसका खुल करके विरोध करें, बल्कि आप ड्राइवर से भी बोले उस चीज को या उस व्यक्ति को उतरवा दे वहाँ पे या तुरंत 1090 पर या 100 नंबर पर ये चीज को आप तुरंत शिकायत करें कि वो व्यक्ति आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आप जा रहे हैं, जैसा कि कहा जाता है ना कि सभी महिलाओं में सभी लोगों में 6th sense यानी कि पूर्वानुमान मतलब जिसे पूर्वाभास हो जाए कि हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। जैसे हम चल रहे हैं हमें महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, ये हमारे साथ मतलब कुछ ऐसे मौके का तलाश कर रहा है जिससे हमारे ऊपर गलत तरीके से अटैक कर सके या हमारे साथ कुछ गलत कर सके, तो आप उसको नजरअंदाज न करें, आप तेजी से आगे बढ़ें, उस वक्त जितना मतलब संभावित हो सके आप तेजी से आगे बढ़ें।
हेल्प के लिए आपको जो भी घर दिखाई दे आप तुरंत उसके डोरमैन को बचाएं, जो भी व्यक्ति निकल के आप उनको तुरंत अपनी समस्या को बताएं, हिचके बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ऐसी कोई भी मतलब कि आपको हेल्प ऐसा उस वक्त नहीं मिल सकता है, आप अकेले जा रहे हो, लग रहा है नहीं हमको बचाव के लिए अभी इस वक्त तुरंत कुछ नहीं मिलेगा, तो आप घबराए नहीं, बल्कि उस परिस्थिति में अपने अंदर के धैर्य को बना के रखें, अपने अंदर के आत्मबल को मजबूत करें और खुल करके उसका सामना करें। तुरंत आप क्या करें, जितनी आपके अंदर पावर है, जितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, आप उतनी तेज आवाज में चिल्लाएं, शोर मचाएं। और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आप मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी चीज हो अटैक कर सके, जिससे आप जैसे कि क्या होता है कि आमतौर पे महिलाओं के पास पर्स है या बैग है, तो उसमें पिन मतलब पिन है, मतलब कुछ भी ऐसा सामान है, कोई भी नुकीला वस्तु, पिन आल पिन है या चश्मे का पिन या छाता आपके पास है, तो कोई भी चीज है, तो आप उस चीज से उस पर वार करें तुरंत अपने आप को बचाने के लिए। आप उसके जैसे कि क्या होता है कि कुछ हर इंसान में मतलब क्या होता है कुछ नाजुक पार्ट है, जैसे कि नाक है, आंख है, गला है, या फिर मतलब कि मतलब पुरुष है उसके प्राइवेट पार्ट पे आप वार कर सकती हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि अगर हम उसको मारेंगे तो उसकी नाक पे चोट लग जाएगी या उसका आंख फूट जाएगा, तो इस चीज का ध्यान में ना रखें, आप अपने बचाव के लिए कहीं भी वार करें। लॉगिन है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो उसे तुरंत लॉग आउट करें। व्हाट्सएप सेव के थ्रू कोई भी अपना व्हाट्सएप लैपटॉप या डेस्कटॉप में चला सकता है, तो हमेशा इसको चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई एनोनिमस कॉल आती है आपको और कहता है कि व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड या ऐसे कोई भी अगर कोड पूछे आपका, कभी भी शेयर ना करें। अगर आपने वो कोड शेयर किया आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, आप उसे नहीं दोबारा यूज कर पाएंगे उस नंबर से। तो हमेशा कभी भी कोई भी अपने फेसबुक से या फिर व्हाट्सएप के संबंध में अगर आपको ओटीपी आता है और कोई आपकी कॉल करके पूछता है कि मैं व्हाट्सएप का या फेसबुक का एम्प्लॉय बोल रहा हूं, तो ऐसे किसी भी ओटीपी को आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने शेयर किया तो आपका फेसबुक या व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। इस समय लोग एक वीगो चैट एक ऐप है, वीडियो बना के शेयर बहुत करते हैं लोग, बहुत ज्यादा शेयरिंग हो रही है, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है, तरह तरह के कमेंट आते हैं, उसकी हैंडलिंग सिंगापुर से होती है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं करना। शेयरिंग करते हैं लोग कि पैसे बनेंगे, क्यों, कौन कौन वीगो चैट यूज करता है, वीगो वीडियो और आपको उनका उपयोग करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय आपको और आपके पेरेंट्स को करना है। हम लोगों का रोल केवल उसकी सावधानियां बताने तक है। तो जो भी, क्योंकि इंटरनेट पर जो साइबर स्पेस है उस पर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी चीजों की बाढ़ आ गई है, वीडियो की बाढ़ है, मैसेज की बाढ़ है, टेक्स्ट मैसेज की बाढ़ है, फोटोग्राफ्स की बाढ़ है। ये आपको तय करना है कि आपको उसे यूज करना है अथवा नहीं करना है। हम केवल इतनी चीज आपको बताएंगे कि उसके यूज में क्या सावधानी है, विशेषतर महिलाओं से संबंधित जो उसमें अपराध होते हैं, कि किसी लड़की की एक फेक आईडी बनाई, फेक आईडी बनाने के बाद उस पर कोई उल्टा सीधा कमेंट लिख दिया या कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल चीजें ना हो, उस तरह की अगर कोई चीज आती है तो हम लोग उसे डील करते हैं, उस फेक आईडी को बंद करवाते हैं, उस फेक आईडी को बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसे जेल भेजते हैं। हेल्पलाइन है, ये टोल फ्री नंबर है जहाँ पे कोई भी महिला जो परेशान है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फोन कर सकती है, फोन कॉल आती है टोल फ्री नंबर पे, और वो जैसी भी जरूरत होती है, अगर जरूरत होती है तो जो टीम है वहाँ की 181 की टीम है वो जाती है, उस जगह पे जाती है, वहाँ पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर सॉल्व नहीं हो पाती है उस केस में, उस महिला को जरूरत है, तो ऑफिस में लाया जाता है और वहाँ पे उसको जैसी सुविधा उसको चाहिए वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ये जो योजना है आशा ज्योति केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी महिला अगर वो एक बार कहीं भी पीड़ित हो जाती है और उसके साथ ये सिचुएशन आती है कि अब वो क्या करे, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के लिए
एक कौशल विकास योजना चलाई जाती है जिसमें उस महिला को प्रशिक्षित किया जाता है। अनेक अलग अलग तरह के कार्यक्रम है उसमें प्रशिक्षित किया जाता है और उसको जॉब दिलवाने में भी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं कि 100% जॉब गारंटी दे रहे हैं लेकिन हेल्प की जाती है उसको जॉब दिलवाने में। इसके अलावा एक योजना है रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष। ये एक ऐसा सम्मान कोष है जिसमें जो बहुत ही गंभीर अपराध हुए जैसे रेप से पीड़ित है कोई महिला या दहेज हत्या हुई है या और भी जो एक गंभीर हमारे अपराध है उससे पीड़ित कोई महिला है तो उसको 1 लाख से 10 लाख के बीच में सहायता अनुदान दिया जाता है, आर्थिक लाभ दिया जाता है। ये आर्थिक लाभ महिला की स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख का अमाउंट है तो सीधे 10 लाख दे दिया गया, ठीक है, वो महिला की कंडीशन को देखते हुए दिया जाता है और महिला के ना रहने पे उसके बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान के बारे में आप जानते हैं क्या है ये, कोई बताएगा? इसके बारे में भ्रांति ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसमें पैसे दिए जाते हैं या कोई एडमिशन होता है सरकार सहायता करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सरकार की जागरूकता अभियान है जिसमें जैसे हमारा होता क्या हमारा जो कल्चर है बेटे के होने पे हम बहुत उत्साह दिखाते हैं, अनेक तरह के आयोजन कराते हैं। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ यही है लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना कि जैसे बेटे के होने पे हम जश्न मनाते हैं उसी तरह हम बेटियों के होने पे भी जश्न मनाएं और उसको भी उसी हिसाब से एंजॉय करें सम्मान दें। इसके अलावा और योजना है महिला शक्ति केंद्र योजना। ये योजना आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये योजना ऐसी योजना जिसमें जो सरकार की योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए उन योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर कराना होता है, उन योजनाओं से लोगों को जोड़ना होता है। इसमें जो जोड़ने वाले लोग होते हैं वो स्कूल के जो एनसीसी के बच्चे हैं या और भी जो वॉलेंटियर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू इसको करना होता है, उन्हीं को लोगों को जागरूक करना होता है। यहाँ पे ये पतली होती है जो इधर यहाँ पे पतली पे ये मारेंगे भी मारेंगे और यहाँ भी इनको लगेगा तो ये चोट जब लगेगी तो साधारण की बात है गिरेगी पीछे जाएंगे फिर उसी हाथ से फिर दोबारा इनके पतली पे मारेंगे। पतली पे मारते ही ये पैर यहाँ ले जा करके इनको पीछे फेंक देंगे और फिर उनके वार कर सकते हैं। नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ दुर्घटना हो रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो भी हमारे अंदर पावर होती है हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, जो भी ऐसा छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, ऐसे में आपको इस्तेमाल करना है। हमने इन्होंने लगाया जो ऐसे हैंड से बोले कि हमको क्रिया क्या करनी है सबके अंदर जो है पावर होती है क्या करना है तुरंत हाथ हैंड से बोले हैं हैंड से हमको करने के बाद क्या होता है हाथ ऊपर करना होता है ना, उनको हम दिखाएंगे हम ऑलरेडी डर गए आपसे और क्या करना है ये हैंड से बोलते ही तुरंत पलट जाना है, पलटते ही इनकी यहाँ पे मारना है वहाँ से ये पिछले गिर चली जाएगी, हमने आपको बताना भी तो है, पलटते ही यहाँ चली गई फिर यहाँ पे आ करके फिर यहाँ इनको फेंक देंगे, ठीक है, ठीक है। आपने देखा ये हमको पूरी तरह से पकड़ लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा सबको ऐसी स्थिति में क्या करनी है, कई ट्रिक्स है लेकिन एक सिंपल सा ट्रिक्स बताएंगे आपको करना क्या है। अगर कोई बच्ची छोटी है वो नहीं पहुंच पा रही है इनके नाक तक, कुछ नाजुक अंग होते जैसा कि हमारे साथी ने बताया था कुछ प्राइवेट पार्ट्स भी होते हैं उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी घुटने पे पैर से पैर फ्री है ना, पैर से इनके घुटने पे वार करेंगे इनका घुटना टूट जाएगा, ठीक है। अगर पैर नहीं चला पा रही है तो क्या करेंगे सीधे आप इनका इसे सिर है हमारा सिर भी फ्री है और सीधे नाक की सीट में आ रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो फिर पंजों पे आए इनके नाक की सीट में आए और नाक पे इनके सिर से वार करेंगे छोड़ देंगे तो मना जाएंगे और छोड़ेंगे आपको। और अटैकर आया उसने क्या किया यहाँ ऐसे हमारा गला कर दिया, ठीक कर दिया बहुत तेज कर दिया ना, और यहाँ की ये नोट देखें आप कि कौन सा अप है और कौन सा डाउन, ठीक है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ऐसे जब तक करेंगे ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्या करेंगे जो नीचे वाला नोट है उसके तरफ आप घूम जाएंगे, ठीक है, उसके घूम
और ये ऐसे खुल गया ना, खुलते ही आप मिलकर तुरंत हिट करेंगे, कहीं भी लग जाए, कोनी पे लग जाए, कहीं भी लग जाएगा, तुरंत ये छोड़ देंगे और गुंडा भाग जाएंगे। ठीक लेके चल रहे हैं तो क्या करना है यार, ये देखें इस तरह से पर्स लेके जा रहे हैं और सामने से कोई आया, ये आए, ठीक, इन्होंने छीनने कोशिश की पर्स को, जैसे ये छीनने कोशिश करेंगे हम यहाँ पर्स को ऐसे अंदर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है, इससे ये छीन खींच नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर से देखें, ये यहाँ पे जैसे इन्होंने किया इस तरह मैंने यहाँ कर लिया और पर्स को अपने यहाँ पकड़ लगा, ये भाई टूट सकता है, यहाँ पे पकड़ा और जोरदार से इनके घुटने पे फेंक दिया, तुरंत ही पर्स छोड़ देंगे, इनका घुटना टूट जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो होंगे तो भी कवर करेंगे, अपना हाथ चलाएंगे, आप जो है ना दो लोगों से बचाव करेंगे, कोई बात नहीं, एक और आ जाएगी। किस परिस्थिति बेटा, ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा ना, जो परिस्थिति कैसी है, क्या कि कोई किडनैपर होता है, किडनैप करता है, अगर हमको गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है तो क्या करना है, ये हमारा मुंह पकड़े ताकि हम आवाज नहीं निकाल पाए, हमारे हाथ फ्री है, फिर वही काम करता है, इनको मारा इनको गिराया, फिर सामने वाले आए, हाथ का तो कहीं भी चला सकते हैं ना, कि तुम मार सकते हैं कहीं भी, और ऐसी जगह पे मारनी है आपको कि जहाँ से उसको चोट ऐसी लगे कि वो जल्दी आपके पास ना पाए और उतना समय आपको मिल जाए ताकि वहाँ से आप बच के भाग सके और हेल्प ले सके दूसरे को, ऐसे समझ लें, ठीक है। साथ आए हुए सहयोगी हैं सबको हम नमन करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इस पर एक शेर एक लाइन का कहना चाहेंगे, मंजिल भी चल के आएगी खुद आपके करीब, मंजिल भी चल के आएगी खुद आपके करीब, कदमों को अपने पीछे हटाया न कीजिए। आज आपने देखा कि जिस ट्रेनिंग को, जिस जानकारी को आप लेने के लिए किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जाना चाहते रहे होंगे, आपको वो ट्रेनिंग, वो जानकारी, वो सारी सूचनाएं आपको एक ही जगह पे मिल गई, इसलिए कभी भी आप हताश ना हो। सबसे पहले तो जरूरी है इन सारी चीजों को जानने के बाद कि सारे नंबर्स आप नोट कर लें, सारी जानकारियां आपने ली, जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं उनकी जानकारी लेना ही नहीं जरूरी है, उनके बारे में जानिए और उनको हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जानकारी लेके अगर हम बैठ जाते हैं और हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि हम कौन सी चीज़ों को पूरा करें, हौसले के साथ आप काम करें और हौसले से और विल पावर से ही सब कुछ होता है। मान लीजिए कोई बहुत कमज़ोर सी लड़की है, यहाँ जो आपको प्रैक्टिकल करके बताया गया, तो वहाँ उसका शरीर काम नहीं करेगा, हिम्मत काम करेगी, हिम्मत विल पावर होना चाहिए और एक्टिवनेस ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम कहीं भी जा रहे हो तो हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारा जिस्म चारों तरफ वाच कर रहा हो कि हमारे साथ कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए कि सावधानियां हटी और दुर्घटनाएं घटी। अगर फोन नहीं है और इमीडिएट नेसेसिटी है, कोई छेड़खानी कर रहा है तो वो आपको बताया था सारा। आलोक शर्मा जी, एसडी क्राइम, प्रभारी प्रिंसिपल महोदय, मीडिएटर सुल्ताना मैडम, एसपी क्राइम महोदय के ट्रेंड टीम के मेंबर्स, मीडिया के बंधु, कॉलेज के टीचर्स एवं स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन था ये बच्चियों के लिए था। मुझे लगता है कि हमारे एसपी क्राइम साहब ने कहीं कोई कसर किसी तैयारी में नहीं छोड़ी है, न ही कोई एरिया ऐसा छोड़ा है जो बचा हो, जो बताने लायक हो। इन्होंने जो टीम तैयार की है, अच्छा मैं भी आज पहली बार इस टीम के साथ रूबरू हुआ हूं इस प्रोग्राम में। इस तरीके के प्रोग्राम जो है पूरे प्रदेश में इस वक्त चल रहे हैं,
हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इस तरीके की टीम किसी भी जिले में प्रशासन ने तैयार नहीं की है, जैसी हमारे जिले में हमारे एसपी क्राइम महोदय ने जो तैयार की है, और बहुत अच्छी टीम है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने उन सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है, और इसके साथ ही साथ थ्योरी तो बताई उन्होंने, प्रैक्टिकल भी बताने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यहाँ कुछ स्पेस की कमी रह गई, उन्हें उतना स्पेस नहीं मिल पाया जो ट्रेंड लोग हैं जो आपको प्रैक्टिकल भी करके बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। मैं उनकी पूरी टीम को जो है बधाई देता हूँ। हमारी देखिए जो देश की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लगभग 43% जो है सिर्फ बच्चे हैं। उन बच्चों में लगभग मोटे मोटे तौर पे आधी पॉपुलेशन जो बच्चियों की है, और ये बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, ऐसा है जिसको आसानी से जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, असॉल्ट किया जा सकता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो है बच्चों और महिलाओं के पक्ष में जो है स्पेशल पावर बनाने के लिए स्टेट को पावर किया है। इसीलिए आप लोगों को स्पेशल, आप लोगों के हित के संरक्षण के लिए स्पेशल एक्ट्स भी बनाए गए हैं। हालांकि पहले आप लोग के जो संबंध में जो भी चाइल्ड अब्यूज वगैरह होते थे कोई स्पेशल एक्ट नहीं था, लेकिन 2012 में स्पेशल पॉक्सो एक्ट जो हमारे जो है केंद्र सरकार ने पारित कर दिया है वो स्पेशली जो है चाइल्ड अब्यूज से ही रिलेटेड है। हम में से ये किसी को नहीं मालूम है कि हमारे साथ कब कहां किस स्थिति में कोई अपराध घटित हो जाएगा, या किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए आप ये नहीं जानते कि हम किस परिस्थिति में किसके टच में आएंगे, और वो उन परिस्थिति शोर मचाएं, विवाद करें, जिससे ये हो कि पब्लिक इकट्ठा हो, आपके सपोर्ट में लोग आएंगे। और अगर आपने एक बार भी ऐसा किया, यकीन मानिए वहां मौजूद जितने लोग भी होंगे ये सबक उनके लिए होगा कि इन फ्यूचर अगर उनमें से किसी के भी मन में कोई बुराई कभी आती है ऐसी सिचुएशन में, वो आपकी सिचुएशन को जरूर सोचेगा कि ये लड़की जो है शोर मचा सकती है, ये हमला कर सकती है, ये 10 नंबर पे फोन कर सकती है, या 100 पे फोन कर सकती है। आपने देखा इस वीडियो में कि 10 नंबर और 100 नंबर्स की जो से जानकारी होने के बाद उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हो गया। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को इसलिए दी जा रही है कि आप इससे पहले कि कोई और आपकी मदद करने आए, आप अपनी मदद खुद करें। कहा गया कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएंगी। इसके लिए जो है विभिन्न प्रावधान भी बनाए गए हैं। अगर अभी जो रिसेंट एक्ट पारित हुआ इसके बारे में पॉक्सो बारे में बताया, इसके बारे में बता दो, इसमें जो है एक खास प्रावधान इस बात का भी कि अगर आपका कोई रिपीटेडली कोई पीछा करता है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है फोन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो मल्टीमीडिया आजकल जो भी डिवाइस है उससे, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। इस तरीके की बहुत से अपराध है जो किसी को रास्ते में छेड़ने का हो गया, या फिर किसी महिला की जो लज्जा भंग करने की बात हो गई, या उसके इंसल्ट करने की बात हो गई, ये सारे जो भी उसके एक्ट होंगे ये सारे उसके एक्ट पनिशेबल है, डिफरेंट सेक्शंस में पनिशेबल है। तो आप ऐसी किसी भी जो भी एक्टिविटी आपके खिलाफ कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी शिकायत जरूर करें, 10 नंबर पे करें, 100 पे करें, अपने पेरेंट्स से करें, थाने में करें, लेकिन करें। क्योंकि अगर हम ऐसी शिकायतों को जो है दबा के रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आज उसने हमारे साथ किया है कल वो किसी और के साथ करेगा। क्योंकि ऐसी घटनाओं पे लगाम तभी लग सकता है, कंट्रोल इसको तभी किया जा सकता है जब आप शिकायत करेंगे, जब हमारे प्रशासन के पास आपकी शिकायतों की जानकारी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि बिल्कुल ऐसी शिकायतों पे वो तुरंत क्विक एक्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि हमारे प्रभारी 100 के जो है प्रभारी जो यहाँ पे गोरखपुर ने बताया कि गोरखपुर में रिस्पॉन्स टाइम 9 मिनट्स है, जो कि मुझे लगता है किसी भी घटना के लिए 9 मिनट्स मुझे लगता है बहुत अच्छा एवरेज है कि 9 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जा रही है और एक्शन ले रही है।
तो आप इन सारी चीजों को जो भी आपने आज सीखा है इसको कोशिश करिए कि वक्त पढ़ने पे आप इसको यूज करेंगे। और जैसा कि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि यहाँ लगभग 3500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज हम उन सारे स्टूडेंट के साथ मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जानकारी आप अपने साथियों को, अपने जो है जूनियर्स को खुद बताइए, खुद दीजिए। ये सारी जो मोटी मोटी बातें आपने सीखी है उन्हें दीजिए, बताइए। और यहाँ के प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि हमारे एसपी क्राइम साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ एक ग्रुप बनाइए ऐसा, और उसको जो है स्किल के माध्यम से या अदर माध्यम से उसको जो है बच्चियों को इन्फॉर्म करिए, जिससे ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है वो आपके कॉलेज की 3500 बच्चियों को जाए। अगर ये मैसेज 3500 बच्चियों को गया तो ये 3500 परिवार को जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा इसको यही नहीं रोके, इसको आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद। ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक एंड मेथड पे प्रोग्राम था जो हम अपनी बच्चियों को अवेयर करने के लिए आए थे कि हमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है और डिफरेंट जो परिस्थितियां हैं कि किन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार अपना बचाव करना है। और जो हमारी सरकार द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं 100 नंबर हैं 100 10 90 हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जिससे इस तरह की जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर लगाम लगाया जा सके और बच्चियों को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे शरीर जो आत्मरक्षा होगा। क्या नाम है आपका? मैम सुधा, सुधा यादव सर। सुधा, आज क्या सीखा आपने? आज हमने यूपी 100 और 10 90 के बारे में सीखा है और उसको कैसे यूज करना है और उससे बचने की सारी सावधानियाँ हमने सीखी, कैसे उससे बचा जा सकता है। सर हमारा नाम इरम फातिमा है। आज हमारे आलोक कुमार जो एसपी हैं सर, उन्होंने जो भी प्रोग्राम किया वो हमारे बहुत ही अच्छे के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने जो बताया है कि हमारे मतलब सड़क पे हम चलते हैं कोई भी दुर्घटना हो सकती है उसकी सेफ्टी के लिए, मैम लोगों ने और भी इतने लोग जो लोग थे उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए जो भी बताया उसे हम अलर्ट रह के ये जान सकते हैं, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। सर हमने ये सीखा कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी चाहिए। हमें बहुत खुशी है सब जान के कि हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो हमारे पास ये रहता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है, उस पर भी जागरूक किया गया है। हाँ, उस पर जागरूक ये किया गया है कि हम लोग अगर किसी बच्चे को देखें कि वो गलत मतलब उसके माँ बाप उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, तो हम इस नंबर पर फ़ोन करें और उसे बचाएँ। मेरा नाम जय गुप्ता है। क्या बताया गया है? व्हाट्सएप उन्होंने बस इतना बताया, अगर व्हाट्सएप का प्रोफाइल आप जिसको शेयर करना चाहते हैं, जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको आप चाहते हैं उसको शेयर करें, व्हाट्सएप प्राइवेसी लगाएं, हर एक चीज़ का एक प्राइवेसी होता है, जो आप चाहती हैं वो चीज़ आप कर सकती हैं, अदर चीज़ आप नहीं चाहती हो तो आप उसको नहीं कर सकती। बस इतना ही उन्होंने समझाया, तो उन्होंने बहुत कुछ है लेकिन जितना मेरे पॉइंट में समझ आया मैंने उतना बताया।